हे गाइस, मैं हूं सलमान शाह और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं और एक बैड न्यूज भी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आप एक सीएससी वीएलई है और डीजीपी में काम करते हैं तो आपके लिए एक बैड न्यूज ये है कि हो सकता है कि आपका डीजीपी वर्क न कर रहा हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको पुराना डीजीपी अनइंस्टॉल करके न्यू डीजीपी डाउनलोड कर देना है। न्यू डीजीपी आप कैसे डाउनलोड करोगे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप न्यू डीजीपी डाउनलोड करोगे तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात गाइस, कुछ दिनों के लिए आप डीजीपी में बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पाओगे। और तीसरी कि आप पे आउट 10 बजे से लेकर 5 बजे तक करना होगा। अगर आप 10 बजे से 5 बजे के बाद अगर आप डीजीपी से पे आउट करते हो तो आपका पे आउट नहीं होगा और हो सकता है कि आपका अमाउंट अटक भी जाए। अब गाइस, गुड न्यूज ये है कि मैं आपके लिए एक ऐसी आईपीएस आईडी लेकर आया हूँ जिसके अंदर आप किसी भी बैंक का पैसा उठा भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एटीएम से भी आप पैसा उठा सकते हैं, पान कार्ड, इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक का अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सर्विसेज आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलेगी और इस कंपनी से जुड़कर आप एक अच्छी अर्निंग भी अर्न कर सकते हैं। गाइस, ये आईडी मेरी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी और मैं खुद आपको एनीडेक्स पर ट्रेनिंग भी दूंगा कि आपको इसमें किस तरह वर्क करना है और आप कैसे इसके अंदर से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।